बच्चों, मैं आप लोगों को पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में एक पर्टिकुलर टॉपिक सिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस अमाउंट पे निकलती है? उस अमाउंट पे जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए फ्रॉम द बिजनेस। तो ये अमाउंट पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस होता है, बट बिजनेस के लिए इनकम हुआ करती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि ड्राइंग करने का पैटर्न क्या है। क्या पार्टनर कभी भी कितना भी अमाउंट निकाल लिया करता है फ्रॉम द बिजनेस, या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट वो एक रेगुलर इंटरवल्स पे निकालता है? उसी हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड डिसाइड होता है। तो यहां पर जो है दो मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। पहला होता है एवरेज टाइम पीरियड मेथड, या जिसे हम सिंपली एवरेज पीरियड मेथड भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। तो ये दो मेथड हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के, और दोनों कब कब फॉलो किए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले बात करते हैं एवरेज टाइम पीरियड मेथड। इस मेथड में या इस मेथड को आपको तभी फॉलो करना चाहिए जब पार्टनर एक फिक्स अमाउंट या इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स पे विड्रॉ कर रहा हो। यानी कि अगर वो मंथली विड्रॉ कर रहा है तो वो थ्रू आउट द ईयर मंथली ही विड्रॉ करेगा, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो क्वार्टरली ही विड्रॉ करेगा, हाफ ईयरली कर रहा है तो हाफ ईयरली ही विड्रॉ करेगा, और एक फिक्स अमाउंट को ही विड्रॉ करेगा। तो इस मेथड को फॉलो करने के लिए ध्यान रखिएगा, अमाउंट का बराबर होना जरूरी है जो विड्रॉ कर रहा है, और टाइम गैप बिटवीन द ड्रॉइंग्स भी बराबर इक्वल होना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो इस एवरेज टाइम पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकाला जाता है वो हम देखते हैं बच्चों। हम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिससे फिलहाल में फिलहाल इन शॉर्ट IOD लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग पूरा लिखेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्रॉइंग्स का मतलब हो गया, अगर आप मंथली निकाल रहे हो पैसा तो इंटू 12 कर दीजिएगा, क्वार्टरली निकाल रहे हो तो इंटू 4 कर दीजिएगा, हाफ ईयर निकाल रहे हो तो इंटू 2 कर दीजिएगा। रेट परसेंट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, और एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकल के आता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एवरेज टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी जब पहली ड्राइंग करी थी इस पार्टनर ने उसके बाद कितना टाइम बचा, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। इस तरह से एवरेज टाइम पीरियड निकल आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला है टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12, और एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर आखिरी ड्रॉइंग अपॉन 2। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको हम देखते हैं अलग केसेस में, जब पार्टनर मंथली पैसा विड्रॉ कर रहा हो या क्वार्टरली पैसा विड्रॉ कर रहा हो या हाफ ईयरली पैसा विड्रॉ कर रहा हो। तो सपोज हमारा जो पार्टनर है एक्स, वो 10,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है मंथली। ठीक है बच्चों, अब मंथली में भी वो बिगनिंग मिडिल एंड कभी विड्रॉ कर सकता है, तो सपोज स्टार्टिंग में लेते हैं कि वो जो है बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है। ठीक है बच्चों, और माना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट है दैट इज 6% पर है ना। तो ऐसे में एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे समझिएगा। माना इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का। तो इस पार्टनर ने पहली बार पैसा विड्रॉ किया होगा 1 अप्रैल 2020 को, और आखिरी बार विड्रॉ किया होगा 31 मार्च 2021 को। तो एज पर द फॉर्मूला पहले ड्राइंग के बाद उसके मंथ लेफ्ट हो जाएंगे पूरे पूरे 12, और आखिरी ड्राइंग के बाद उसकी मंथ जो है
सॉरी यहाँ पे 31 मार्च नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे 1 मार्च आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन रखी थी कि वो हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाल रहा है, तो उसने मार्च में भी 1 मार्च को पैसा निकाला होगा। तो 1 मार्च से 31 मार्च आपका हो जाएगा एक महीना, दोनों को जोड़ दीजिए ये 13 मंथ्स हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज टाइम पीरियड आ गया 6.5 मंथ्स। अब जैसे मुझे इंटरेस्ट निकालना है ड्रॉइंग्स पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकल कर आ जाएगा टोटल ड्रॉइंग्स जो कि 1,20,000 रुपए हो जाएगी, इनटू रेट जो कि मैंने 6% पर एनम लिया है, इनटू एवरेज टाइम पीरियड जो कि 6.5 मंथ्स था। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर ₹3,900 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यही हमारा पार्टनर अगर पैसा मंथली विड्रॉ कर रहा होता मगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ में कर रहा होता, तो उसने पहली बार ड्रॉइंग करी होती 15 अप्रैल 2020 को, और आखिरी बार करी होती 15 मार्च 2021 को। तो यहां पर आप टाइम लैप्स देखेंगे तो 11.5 महीने आएगा, और यहां पर आप टाइम लैप्स देखेंगे तो आधा महीना आएगा, जिन्हें जोड़कर बन जाता है 12 मंथ्स, और 12/2 कितना होता है बच्चों 6, यानी कि ऐसे में एवरेज टाइम पीरियड हो गया 6 मंथ्स। और जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 3600। क्लियर बच्चों? अब अगर हमारा पार्टनर विड्रॉ कर रहा होता एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो क्या करते? तो यहां पर उसने पहली बार विड्रॉ कर रहा होता 30 अप्रैल को, और आखिरी बार विड्रॉ कर रहा होता 31 मार्च को, मंथ लेफ्ट आता आपका 11। आप देख सकते हैं अप्रैल पूरा बीत चुका है, बचे 11 महीने, और 31 मार्च से 31 मार्च आपका आता 0 मंथ्स। 11 + 0 आपका कितना हो गया 11, 11/2 कितना हो गया 5.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए आपको बस क्या करना है, एवरेज टाइम पीरियड को यहां पर 5.5 मंथ्स ले लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 3300। इस तरह से बच्चों ये मंथली वाला केस आपका मैंने आपको समझा दिया। यहां पर आप पैटर्न भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने देखा मिडिल का एवरेज टाइम पीरियड 6 आया, बिगिनिंग का एवरेज टाइम पीरियड 6.5 आया, और एंड का एवरेज टाइम पीरियड 5.5 मंथ्स आया। हम चाहे तो इसको इतना ज्यादा लेंथी फॉलो करने की जगह इसको दिमाग में बिठा सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो मिडिल का एवरेज टाइम पीरियड 6 था, और मंथली ड्राइंग में गैप होता है 1 महीने का, और 1 का आधा होता है 0.5। तो अगर आपको बिगिनिंग में जाना है तो 0.5 ऐड कर दीजिए, एंड पे जाना है तो 0.5 माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से बिगिनिंग का एवरेज टाइम पीरियड 6.5 मंथ्स आ जाएगा, एंड का टाइम पीरियड 5.5 मंथ्स आ जाएगा, और इस तरह से देखिए आपको आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यही पैटर्न मैं बॉटल ड्राइंग पे भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले उसको मैं लेंथी मेथड से भी बताऊंगा, फिर इस शॉर्टकट को हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सपोज अब हमारा पार्टनर जो है वो मंथली पैसा नहीं विड्रॉ कर रहा, वो कर रहा है क्वार्टरली, और वो कर रहा है सपोज 30,000 रुपए क्वार्टरली विड्रॉ। अब यहां पर भी वही कंडीशन आती है कि वो क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है, या क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगर वो हर क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ करता है, समझिएगा बच्चों, तो उसने पहली बार पैसा विड्रॉ करा होगा 1 अप्रैल, क्योंकि पहला क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से लेकर जून को तक का, और उसने आखिरी जो विड्रॉ किया होगा वो करा होगा 1 जनवरी को, ना कि 1 मार्च को, क्योंकि जो चौथा क्वार्टर है उसकी बिगिनिंग जो है वो 1 जनवरी को होती है। That's why. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एवरेज टाइम पीरियड फॉर्मूला, 1 अप्रैल तक बचते हैं 12 महीने, 1 जनवरी के बाद बचते हैं 3 महीने, और टोटल हो गया 15 पॉइंट 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5। तो आपका जो एवरेज टाइम पीरियड आया वो 7.5 मंथ्स आया। ठीक है बच्चों, टोटल ड्रॉइंग 1,20,000 ही आएगी, बिकॉज करके कोई आदमी क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो साल में वो 4 बार ही विड्रॉ कर पाएगा, इसलिए टोटल ड्रॉइंग हो जाएगी 1,20,000। माना रेट यहां पे 6% पर एनम है, मगर यहां पर लेना आपको 7.5 मंथ्स। ठीक है बच्चों, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 4,500। इस तरह से ये चेंजेस आए क्वार्टरली के केस में। ठीक है बच्चों, अगर वही पार्टनर हमारा इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर विड्रॉ कर रहा होता तो उसने पहली बार का विड्रॉ किया था और आखिरी बार का विड्रॉ किया था वो देखते हैं। उसने पहली बार विड्रॉ किया होगा 15 मई 2020 को,
पहले क्वार्टर का मिडिल 15 मई होगा, अप्रैल से जून वाले क्वार्टर का मिडिल, आखिरी वाले क्वार्टर का मिडिल होगा 15 फरवरी, 1 जनवरी से 31 मार्च वाले का। यहां टाइम लैग देखेंगे तो आपका आएगा 10.5 मंथ्स, यहां टाइम लैग देखेंगे तो आपका आएगा 1.5 मंथ्स, और टोटल हो जाएगा 12 मंथ्स, 12.2 हो गया आपका 6 मंथ्स, यानी एवरेज टाइम पीरियड 6 ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3600। क्लियर बच्चों, ये था मिडिल ऑफ क्वार्टर। अब हमारा पार्टनर अगर एंड ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ कर रहा होता तो हम कैसे करते? पहले क्वार्टर का एंड होगा 30 जून को, आखिरी क्वार्टर का एंड होगा 31 मार्च को, June, क्योंकि पहला क्वार्टर अप्रैल से जून का था, आखिरी क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च का था, तो पहले क्वार्टर का एंड 30 जून को, आखिरी क्वार्टर का एंड 31 मार्च को, यहां बचते 9 मंथ्स, यहां बचता 0 मंथ्स, ये हो जाता 9, और 9/2 होता है 4.5 मंथ्स। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में आपका जो इंटरेस्ट आता वो कितना आता, यहां पर लेते आप 4.5, 1,20,600 × 4.5, ये निकल कर आएगा आपका ₹2700। तो इस तरह से क्वार्टरली इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता। एवरेज टाइम पीरियड देखिए किस तरह से आए, बिगनिंग में आया 7.5 मंथ्स, मिडिल में आया 6 मंथ्स, और एंड में आया 4.5 मंथ्स। ये तो लेंथी वे ऑफ कैलकुलेशन हो गया। अब आपको मैं एक शॉर्टकट समझाता हूं। आपने देखा चाहे मंथ का मिडिल हो चाहे क्वार्टर का मिडिल हो, एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ ही निकल कर आया। अब मंथ में गैप होता है 1 महीने का, तो 1 का आधा होता है 0.5, 0.5 प्लस किया, 0.5 माइनस किया बिगनिंग और एंड पे जाने के लिए। क्वार्टर में गैप होता है 3 महीने का, तो 3 का आधा होता है 1.5, तो 6 में 1.5 ऐड किया तो बिगनिंग का आ गया 7.5, 6 में से 1.5 माइनस किया तो एंड का आ गया 4.5। तो देखिए बच्चों, अगर हम डिटेल में कैलकुलेट करने की जगह इस तरह से शॉर्टकट में भी एवरेज टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बट हाँ हमें डिटेल वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई। क्लियर बच्चों, तो उसी तरह से मैं आपको बताना कहूं कि आपको हाफ ईयरली ड्राइंग्स के लिए एवरेज टाइम पीरियड निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा। मिडिल वहां भी 6 ही आएगा। वैसे बता दूं साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, अगर हमारा पार्टनर 60,000 पर हाफ ईयर निकाल रहा है या सेमी एनुअली निकाल रहा है तो उसका टोटल ड्राइंग हो जाएगा 1,20,000। रेट सपोज 6% पर एनम ही है, मिडिल का एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ्स ही आएगा। अब हाफ ईयर में गैप होता है 6 महीने का, तो 6 का आधा 3, 6 में 3 प्लस करिए, बिगनिंग का एवरेज टाइम पीरियड आ गया 9 मंथ्स, 6 का आधा 3 माइनस कर दीजिए 3, तो एंड का एवरेज टाइम पीरियड आ गया 3 मंथ्स। इस तरह से आप हाफ ईयरली का भी बिगनिंग मिडिल एंड का एवरेज टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिगनिंग केस में आप जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहां पर 9/12 ले लीजिएगा, ये 5400 आ जाएगा, 6/12 लीजिएगा तो यहां पर आपका 3600 आ जाएगा, और 3/12 लेंगे तो आपका आंसर 1800 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि पार्टनर अगर मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली विड्रॉ करता है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं फॉलोइंग द एवरेज टाइम पीरियड मेथड। मैंने आपको उनका डिटेल फॉर्मूला भी बताया और साथ साथ के शॉर्टकट भी बताया। क्लियर बच्चों, यहां पे मैं एक केस और डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से कि सपोज अगर आपका बिजनेस पूरे साल नहीं चलता है, आपने बिजनेस ही सपोज 1 अक्टूबर को शुरू किया और अकाउंट आप 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं और हमारा पार्टनर मंथली ही विड्रॉ कर रहा है पैसा, तो टोटल 6 महीने हुए, तो ऐसे में अगर एवरेज टाइम पीरियड निकालना हो तो देखिए बच्चों, मिडिल का एवरेज टाइम पीरियड आप 3 लीजिएगा। जब पूरे साल कर रहे थे तो मिडिल का एवरेज टाइम पीरियड हमने 6 लिया था, अगर हम 6 महीने ही कर रहे हैं आखिरी के तो मिडिल का एवरेज टाइम पीरियड हम लेंगे 3। अब उसने मंथली पैसा निकाला है सपोज, तो बिगनिंग में 0.5 प्लस कर दीजिए तो बिगनिंग का एवरेज टाइम पीरियड 3.5 मंथ्स आ जाएगा और एंड का टाइम पीरियड 2.5 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
क्योंकि हमें कर तो मंथली ही ड्रॉइंग रहा है, तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस, मंथ का आधा 0.5 होता है इसलिए। ठीक है बच्चों, अगर वो क्वार्टरली कर रहा होता है नहीं हाफ ईयर में, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता 4.5 और यहाँ आ जाता 1.5 अगर वो क्वार्टरली कर रहा होता। 6 महीने में हाफ ईयरली की बात क्या करें, ठीक है एक ही हाफ ईयर। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से एवरेज टाइम पीरियड आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली भी डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर ट्रिक। पूरे साल अगर ड्राइंग करी गई है तो मिडिल के एवरेज टाइम पीरियड 6 लीजिए, मंथली ड्राइंग के केस में 0.5 प्लस 0.5 माइनस बिगनिंग और एंड पे जाने के लिए, क्वार्टरली केस में 1.5 प्लस 1.5 माइनस बिगनिंग और एंड पे जाने के लिए एवरेज टाइम पीरियड, और हाफ ईयरली केस में 6 का आधा 3 होता है तो 3 प्लस 3 माइनस कर दीजिए बिगनिंग और एंड पे जाने के लिए। क्लियर बच्चों, और इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला तो आप जान ही गए हैं, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको एवरेज टाइम पीरियड अच्छी तरह से समझ में आया होगा, एंड जो मेरा पर्पस है इस वीडियो बनाने का वो पूरा भी हुआ होगा। थैंक यू बच्चों।